मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सभी का आप सभी का फिर से अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छी हूँ। एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बजे का एंड आज तारीख है 10 जनवरी एंड मेरा डेली व्लॉग चैलेंज का आज 10th डे है। सो आई होप आप सभी मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे होंगे। जितने भी लोग देखते हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि कुछ लोग हैं जो रेगुलर देख रहे हैं मेरी वीडियोस, कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी मैं जा रही हूँ बनीखेत बुटीक। सो अभी जस्ट निकली हूँ मैं घर से। सो गाइस आज धूप निकली हुई है, आज मौसम काफ़ी अच्छा है बट कुछ घंटे बाद ये चेंज भी हो सकता है। यहाँ का रास्ता देख सकते हो कितना खराब है, धूप निकली है बट ठंड भी उतनी ही है यहाँ पे। सो गाइस अब मैं यहाँ पे बैठ के बस का वेट कर रही हूँ। एक बस तो नहीं रुकी बट अब एक और बस आ रही है, दूसरी बस आ रही है, अब देखते हैं ये रुकती है या नहीं। देख सकते हो आप पत्थर में स्नो कितनी अच्छी है एंड हम वहां भी जाएंगे अभी। ये है बनीखेत एंड जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हल्की हल्की स्नो पड़ी हुई है। क्या करना सभी एंड आंखों में इसकी इतनी ज़्यादा लाइट पड़ रही है ना। ये है बनीखेत। और ये है ड्राउजी मोती डिब्बा। गाइस जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आई हूँ बनीखेत में एंड बनीखेत में काफ़ी अच्छी स्नोफॉल हुई है। देखिए आप कितना मज़ा आ रहा है, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी रील्स बनाई है। तो अगर आपको वो रील्स देखनी होंगी गाइस तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लव योर सेल्फ एंड सभी का रघुवंशी नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। लव योर सेल्फ में मैं सिर्फ रील्स डालती हूँ एंड सभी का रघुवंशी में रील्स प्लस फोटोज, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देख सकते हो कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आंटी कह रहे हैं कि बड़े बड़े गोले बना के फेंको, इतनी बर्फ से क्या होगा। बहुत सुंदर सुंदर गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी कितनी ज़्यादा स्नो है। नीचे देखिए एंड इस साइड को हम उसी रास्ते से आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर, आप देखिए हम कौन से रास्ते से आए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेती हूँ। सो गाइज़ यहाँ मैंने ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं खींची, मतलब थोड़ी सी ही खींची है, ज़्यादा तो मेरी वीडियो ही बन जाती है। वीडियो में देखो ये मेरा थंबनेल बन जाएगा। तो मेरे को इतनी सी जगह से उतरना है बट मेरे से नहीं उतरा जा रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। उतर गई मैं तो
अभी हम वापस से रोड पे जा रहे हैं। एक्चुअली दीदी आए थे, हमारे जो बुटीक वाले दीदी हैं वो आए थे, कोई बीमार है उनके रिलेटिव में तो उनका पता लेने आए थे, तो हम बस पास के एरिया में घूम रहे थे। दैट्स इट। पूरी गिल्ली हो चुकी हूँ। आजा आजा। गाइस यहाँ पे देखिए मुझे कौन मिला है। ये मेरा भाई है, और जो ये जो भी बोल रहा है प्लीज़ इग्नोर करें। तो मेरे को दी वगैरह छोड़ गए, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सैनानी आए हैं। सो गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, एंड स्नो भी अच्छी है। यहाँ तो बनीखेत से मतलब ड्रोहौजी से काफ़ी किलोमीटर्स पीछे है ये, एंड मेन ड्रोहौजी में तो इससे भी ज़्यादा। तो ये दीदी मैंने रोक लिए हैं। ये दीदी हाय भाई भी है। हाँ ये भी है, तो हमने इनको रोक लिया है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी ब्लॉगिंग करते करते। क्या मैं रुकी हूँ ना के रोक लिया। और ये जो है ये गए थे किसी का हाल पूछने। ऐसे लगी थी बोलने ना कि थोड़ा सा फनी बन जाए, मैं बोला नहीं। ये है शाम का व्यू, एंड अभी मौसम भी क्लियर हो गया है एंड धूप निकल आई है। अभी टाइम हो रहा है 4:45 का, एंड मैं जा रही हूँ घर। जैसा आप देख पा रहे हो अभी मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। एंड आपको पता है कि अभी मैं यहाँ से पैदल जाऊँगी घर, तो मुझे हो जाएगा अंधेरा। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, नए हो तो सब्सक्राइब। टिल देन बाय, टेक केयर।